इसराइल और हमास के बीच 3 महीने से जंग जारी है। इस बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभाता नजर आया है, लेकिन हाल ही में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कथित बयान से कतर हैरान हुआ है। आइए जानते हैं कि नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा जिससे कतर नाराज हो गया। दरअसल बीते मंगलवार को इसराइल के एक चैनल ने कथित तौर पर पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू की एक रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें वो हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों के परिवार वालों से कह रहे हैं, आपने मुझे कतर का शुक्रिया अदा करते नहीं सुना होगा, क्या आपने कभी गौर किया? क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस से अलग नहीं है, और कुछ मायनों में वो अधिक संदेहास्पद हैं। उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं किसी और व्यक्ति या समूह का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हूं जो मुझे बंधकों की रिहाई में मदद करे। प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर कहा कि कतर इस मामले में इसलिए मदद कर पा रहा है क्योंकि हमास के साथ वो अपने संबंधों का फायदा उठा रहा है, और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो हमास को आर्थिक मदद देता है। नेतन्याहू के इस कथित बयान पर कतर के विदेश मंत्री माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ये टिप्पणी सच है तो ये गैर जिम्मेदाराना है और मासूम जिंदगियों को बचाने की कोशिश को बिगाड़ने वाला है। हालांकि ये चौंकाने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नेतन्याहू मध्यस्थता की कोशिशों को कम करके देख रहे हैं। इसके जवाब में इसराइली वित्त मंत्री बेजालेल स्मॉटरिच ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कतर ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है और उसका वित्त पोषण करता है। वो हमास का संरक्षक है और इसराइली नागरिकों पर हमास के हमले के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसराइल और हमास के साथ कतर के रिश्तों की बात करें तो कतर 1990 के दौर से ही इसराइल के साथ संबंध बनाए हुए है। हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर अब तक इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध कायम नहीं किए। दूसरी तरफ कतर लंबे वक्त से फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करता रहा है। हमास के नेताओं को उसने अपने यहाँ जगह दी है। कतर गजा के लिए लाखों डॉलर की मदद भी करता रहा है। कतर हमेशा से कहता रहा है कि गजा को दी जाने वाली आर्थिक मदद केवल नागरिक और मानवीय कामों के लिए है। हालांकि इसराइल के भीतर इसकी कड़ी आलोचना होती रही है। आलोचकों का कहना है कि कतर हमास को सत्ता में बनाए रखने में उसकी मदद कर रहा है और उसकी सैन्य गतिविधियों को भी फंड कर रहा है। पिछले साल जब हमास ने इसराइल में घुसकर एक बड़े हमले को अंजाम दिया तो उसके बाद इसराइल ने भी हमास को जड़ से मिटाने के मकसद से अपना अभियान छेड़ दिया। इस बीच कतर ने हमास के साथ अपने संबंधों की मदद से दोनों पक्षों के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराया। ये युद्ध विराम करीब सप्ताह भर लागू रहा। इस दौरान इसराइली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले हमास के कब्जे में मौजूद 105 इसराइली बंधकों और विदेशी नागरिकों को छुड़ाया गया। इसके बाद से कतर एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब तक उसे इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।